जीव जंतु को भी बुद्धि है, वो भी अपना परिवार पालता है। सोचो ना, यदि पशुओं में बुद्धि नहीं होती तो आपने बिल्ली देखी? बिल्ली कौन सी स्कूल में पढ़ने जाती होगी बोलो? लेकिन बिल्ली में कितना गुण है, कितनी बुद्धि है उसके अंदर। बिल्ली ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं और कभी चलते देखा भी एक आध बार कि बिल्ली अपने बच्चे को, छोटे छोटे जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें लेकर के भागती हैं। ऐसे सुने में आता है कि 7 घर 21 घर ऐसा जाते हैं, पता नहीं कितने, 21 ना कि 7। चलो जितने भी घर जाए मैं उसके पीछे थोड़ी जाऊंगा, पर ऐसा कहते हैं कि बिल्ली अपने बच्चों को एक जगह नहीं रखती, अलग अलग जगह में जाकर के रखती है। तो ये बताओ, बिल्ली अपने बच्चों को किस में पकड़ती है बोलो? अपने पूंछ से बांधती है, अपने पंजों से पकड़ती है, किस में पकड़ती है? दांत। सोचो 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 मेरे प्यारे, सोचो। वो बिल्ली अपने बच्चे को दांत से पकड़ती है, और बच्चे की कौन से भाग को पकड़ती है पता है आपको? गर्दन को पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चों के गर्दन को दांत से पकड़ती है, लेकिन एक खरोज भी नहीं आती। आप कहोगे बहुत ढीले पकड़ते होंगे तो इतने तेज दौड़ती भी होती है? ढीले पकड़ेगी तो गिर जाएंगे बच्चे, एक छत से दूसरे छत छलांग लगाती हैं अपने बच्चे को पकड़ करके। इसका मतलब कस के पकड़ती है, और यदि कस के पकड़ेगी तो बिल्ली के दांत बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बच्चे की गर्दन कट जाएंगे। पर देखो क्या गजब है, बिल्ली अपने नुकीले दांत से अपने बच्चे को पकड़ती है, एक खरोज भी नहीं आती। वही बिल्ली किसी चूहे को पकड़ लेती है उसी दांत से। फिर राम नाम सत्य हो जाता है उसका। सोचो, वही बिल्ली अपने बच्चे को उसी दांत से पकड़ती है, एक खरोज भी नहीं आती। और वही बिल्ली किसी चूहे को पकड़ लेती है, मार डालती है। इतनी बुद्धि तो उनमें भी है, अपने बच्चे को पकड़ना है तो कैसे, और अपने भोज्य चीज को पकड़ना है तो कैसे। आपने पक्षी देखा, पक्षी दाना चुगती है और दाना चुग करके अपने मुख में रख लेती है, कभी देखा होगा आप लोगों ने। और अपने छोटे छोटे चूजों को जो घोंसले में रहते हैं, अपने चांच से चांच मिला करके दाना पीस करके खिलाती है, कभी देखे होंगे आप लोगों ने। ऐसा छोटा सा पक्षी का जो चूजा होता है, जो उड़ भी नहीं सकता, तो उनको खिलाना होता है ना, तो पक्षी अपने चांच में दाना चुग करके आएगी और पीस करके अपने चांच से अपने बच्चे के चांच में चांच मिला करके उसको खाना खिलाता है। इतना गुण तो पशुओं में भी है। तो भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है, उपयोग करना आना नहीं आना अलग बात है। और प्रत्येक जीव, तो ये जीव कौन है? हम सब ही जीव हैं, और बुद्धि हमारी पत्नी है। जीव बंधा हुआ है अपनी पत्नी के साथ में। कौन जीव? बस देव नाम का जीव बंध गया है कारागृह में। अभी कारागृह क्या है सुनो, ये संसार ही कारागृह है। आप लोग समझ रहे हो ना मेरी कथा? ये संसार ही कारागृह है, हम सब बस देव हैं, हमारी बुद्धि पत्नी है, और हम सब बंधे हैं कौन से जंजीर में? लोहे की रस्सी की नहीं, तोर मोरते माया की जंजीर में बंधे हैं हम सब। ये रिश्ते नातों की जंजीर में बंधे हैं। गृह कारज नाना जंजाला,
हम गृहस्थ के जंजाल में बंधे हुए हैं, हम सब जीव फंसे हुए हैं, रिश्तों के बंधन में बंधे हैं, पुत्र परिवार के बंधन में बंधे हैं, रिश्ते नातों के बंधन में बंधे हैं, घर व्यापार दुकान के बंधन में बंधे हैं, और इन बंधन में ऐसे फंस गए हैं, इस बंधन से निकल नहीं पा रहे हैं। हमारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, बुद्धि जड़ हो गई है, लेकिन तभी जीवात्मा की आत्मा से ब्रह्म ज्ञान निकलता है, वही परमात्मा है। क्या? जीवात्मा के आत्मा से ब्रह्म ज्ञान निकलता है, वही परमात्मा है। यानी वसुदेव और देवकी के मध्य में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, वही परमात्मा जब प्रकट हुआ, और जब ब्रह्म को अपने सिर पर धारण करोगे तो संसार की सारी बेड़ियां टूट जाएगी प्यारे, संसार की बेड़ियां टूट जाएगी, फिर सारे बंधन छूट जाएंगे, फिर जो बंधन है ना माया का, ये बंधन टूट जाएगा। हाँ, टूट गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई, थी घनघोर अंधेरी ऐसी रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। तो प्रभु ने जैसे अवतार लिया, बसदेव कहते हैं प्रभु मैं तो संकर कंकर बेड़ियों में बंधा हूं, भगवान ने कहा जब तक तुम माया में रहोगे तब बंधे रहोगे, जब मुझे सिर में धारण कर लोगे तुम्हारा बंधन छूट जाएगा। और जैसे ही बसदेव ने बालक रूप कन्हैया को सिर में धारण किया है, देखते ही देखते